श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में मुंजाल परिवार की तरफ से श्री खाटू श्याम और श्री बालाजी महाराज के संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक अंकित शर्मा, अंश एंड पार्टी फरीदाबाद वालों और विधायक रमन अरोड़ा ने बालाजी और श्याम बाबा खाटू वाले का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान विजय खुल्लर, प्रदीप खुल्लर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राजू मदान, राकेश जसूजा, राजीव मुंजाल, अमित गुंबर, ननू अरोड़ा, आतिश अरोड़ा, गौरव अरोड़ा, निखिल अरोड़ा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। बाबू जी को मैंने थोड़े दिन पहले सुना था, ये कीर्तन में आए, बहुत बड़ी हस्ती है, ताली बजाओ ना एकदम। ये कीर्तन में आए, देखो कितनी बड़ी बात है, कीर्तन में आए और 3-4 घंटे इन्होंने बैठ के जमीन पर कीर्तन सुने। एक बार जोरदार तालियां बजाओ ना। गोविंद मेरो है, उठालो फिर से मेरा में हाथ, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। गोविंद अभी भी कह रहा हूँ, पाखंडी बनना छोड़ दो, दिखावा करना छोड़ दो, सच्चे हृदय से कीर्तन में बैठा करो, वरना मत बैठा करो, चले जाया करो। इसे भीड़ नहीं चाहिए, इसे प्रेमी चाहिए। उठाओ तुम मेरा में हाथ, जो प्रेमी बन के आए हो, भगत बन के आए हो, बोलना अंत समय जब आए मेरा। पापा को देखो, इतना छोटा हूं, क्यूट से लग रहे हैं। इस परिवार ने इतने भाव से सजाया, एक बार इस परिवार के लिए फिर से दोनों हाथ उठाओ और पापा को देख के बोलो, प्यारा सा मुखड़ा। अच्छे खासे क्लाइंट हैं, अच्छे खासे इनकम है, कौन से बाबा के चक्कर में पड़ेगा, ना तो हाँ ना पाँव है,
केवल चीज चीज है। मैं उनसे बोलता हूँ नजरे सबके पास है, इसको देखने के लिए नजरिया चाहिए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, कि मुख से गूंगा है जाएगो, कि मुख से सुनो भजन, बड़े काम का ज्ञान का भजन है, ताली बजाओ। कि मुख से गूंगा है जाएगो, कि मुख से जीतूंगा हारा। अपरंपार एक बार जोर तालियां बजा दो। अरे जब से धोखे लगाई मैंने खाटू के, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाई हमारे रमनलाल जी, जोरदार। अरे जब से धोखे लगाई मैंने, पता नहीं था इतना लोगे, हरदम रोता रहता था, पता नहीं था इतना लोगे, हरदम रोता रहता था। जीवन मेरा कैसे कटेगा हरदम सोच में, मेहंदीपुर के पास